अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज मैं बनाऊंगी इस तरह का प्यारा सा बॉक्स। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इस तरह का टिन वाला जो बॉक्स आता है, आप इस तरह के कंटेनर ले सकते हैं टिन वाले। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। इस पर सबसे पहले अप्लाई मैं कर रही हूँ ब्लैक जेसो। आपके पास कोई भी जेसो है, वाइट है, ब्लैक है, आप इस पर जेसो बिल्कुल अप्लाई करिए, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं कमेंट में कि उनके कलर निकल जाते हैं, तो कलर इससे निकलते हैं क्योंकि जेसो नहीं अप्लाई किया होता है। तो अगर आप डायरेक्ट इस तरह के स्टील पर या प्लास्टिक पर पेंट करिएगा तो उसका कलर निकल ही जाएगा। तो इससे सबसे पहले आप जेसो अप्लाई करिए। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप कैसे घर पे होममेड जेसो बना सकते हैं, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। फिर मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इसको पूरे को पेंट कर लूँगी अच्छे से, और जेसो के बाद पेंट आप करिए तो आपका पेंट जो है निकलता नहीं। और इस तरह से ये ड्राई हो चुका था, तो अब इसके ऊपर करेंगे हम कुछ मोल्ड से, कुछ एयर ड्राई क्ले से यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है अपने सिलिकन मोल्ड्स, और इसका भी ये मेरा होममेड है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप अपने सिलिकन मोल्ड्स खुद आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया था ये वीडियो, और इस तरह के मैंने 4-5 बना लिए, और इससे मैं डेकोरेट करूँगी अपने कंटेनर को। तो इस तरह से सबसे पहले मैं फेविकॉल ले रही हूँ यहाँ पे, आप कोई सा भी PVA ग्लू, वाइट ग्लू, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और इसको इस तरह से इस पर स्टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस तरह की चेन बना ली है, 5 चेन मैंने टोटल बनाई है, और उसके बाद इसको ऊपर और नीचे के साइड पर हमें स्टिक करना है। नीचे मैंने कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर भी इस तरह की चेन स्टिक कर दूंगी। इससे बहुत प्यारा सा एक, मतलब आप लोगों को एम्बेलिशमेंट वाला लुक मिलेगा। तो आप आसानी से मोल्ड्स बना सकते हैं। उसमें मैंने बड़ा वाला एक ट्यूब यूज़ किया था सिलिकॉन का, जो गन के साथ यूज़ होता है। अगर आपको वो नहीं यूज़ करना है तो छोटे वाले अवेलेबल हैं, तो आप वो ट्यूब खरीद लीजिए और उससे बना लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने कुछ पर्ल वाला बनाया है इसी तरह की चेन्स, और इसको मैं डेकोरेट करूँगी इसके लिड के ऊपर। तो चलिए, इस तरह से यहाँ पर लिड पर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैं इस पर इस तरह से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने डॉटिंग टूल का यूज़ किया बस और बस इसको सेट करने के लिए। अगर आपके पास ये नॉर्मल, आप हाथ से भी इसको सेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैं पूरे पे इसको लगा दूँगी, और उसके बाद मैं इसको हाईलाइट करूँगी। मैं इसमें बेसिकली आज यूज़ करने वाली हूँ सारे अपने सिलिकन मोल्ड्स, और यहाँ पे मैंने दूसरा मोल्ड लिया है, ये सारा मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोगों को बहुत आसानी से घर पे ही आप सिलिकॉन मोल्ड्स बना सकते हैं, तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप ज़रूर देखना। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आउल बनाया है, ये भी बहुत प्यारा है। फिर उसको मैं लगाऊँगी, उसके ऊपर मैं ये आउल लगाऊँगी, इससे बहुत प्यारा सा, एक बीच में क्योंकि ये खाली था तो इसके ऊपर इस तरह से मैं लगाऊँगी। और सारे मोल्ड्स मैंने बनाए हुए हैं अपने उससे, ईयरिंग से, अपने ब्रेसलेट से, तो आप भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं और निकाल रही थी मोल्ड से, और एयर ड्राई क्ले भी, अगर आप लोगों को कोल्ड पर्सनिन एयर ड्राई क्ले है ये, तो अगर आप लोगों को इसका भी वीडियो चाहिए होगा, ये भी होममेड है। मैं सारी चीज़ होममेड ही यूज़ कर रही हूँ, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दूंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देखिएगा और अपना खुद का सारा क्राफ्ट सप्लाईज बना लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इनको स्टिक करूँगी, लेकिन उससे पहले जब तक मैं इसको स्टिक कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। उसके बाद मैं इस तरह से सभी कुछ को, ये जो भी मैंने एम्बेलिशमेंट बनाया है, इसको लगा दूंगी पूरे पे, इस तरह से स्टिक कर रही हूं। इससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एंटीक लगता है और बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। तो इस तरह के एम्बेलिशमेंट अगर आप लगा दोगे ना, तो बिल्कुल बहुत प्यारा सा लुक आता है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चेन बना रही थी, पतली सी, यहाँ पे मेरे मोल्ड पे थी, तो मैं इसको भी बना रही थी, और ये बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और बाकी को मैं लगाऊंगी इस जो लिड मैंने बनाया था उसके साइड वाले पार्ट पे, यहाँ पे। तो चलिए इसे लगा लेते हैं, बस आपको सिंपली ग्लू लगाना है और इसको इस तरह से लगा देना है। तो पूरे लिड को मैं इसी तरह के चेन से कवर करूंगी, और आगे इस तरह से पूरा डब्बा मेरा बनके रेडी हो गया था। अब इसके ऊपर भी ब्लैक पेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जैसो आपको नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली आप ब्लैक पेंट अप्लाई कर दीजिए और पूरे को कवर कर दीजिए ब्लैक पेंट से। उसके बाद जब ये पूरे को मैं कवर कर लूँगी इस तरह से, मैं इसके लिड को भी कवर कर लूँगी और इसके कंटेनर को भी, और इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसके ऊपर करूंगी थोड़े से पेंट से इसको हाईलाइट। तो मैंने यहाँ पे लिया पिंक कलर और वाइट कलर, और वाइट में थोड़ा सा बिल्कुल आपको पिंक ऐड करना है इस तरह से, और फिर डाबर की हेल्प से आपको ऐसे इसको पेंट करना है। पूरे पे आपको पिंक नहीं करना है, बस हल्का हल्का पिंक करना है, इसको हाईलाइट करना है पिंक से, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए पूरे को हाईलाइट पिंक कलर से, और उसके बाद पूरे पे इसी तरह से पिंक कलर को लगाना है आपको। इसके लिड पे मैं लगा रही हूँ इस तरह से, और फिर इसके बॉक्स पे भी मैं इसको हल्का हल्का इस तरह से पूरे पे
पिंक कलर लगाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ पे डार्क और लाइट शेड भी मिला के बना सकते हैं और उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बस और बस यहाँ पे बिल्कुल एक लाइट सा पिंक कलर मैंने बनाया है। और अगर आप लोगों व्हाइट कलर में अगर आप मिला रहे हैं तो बिल्कुल हल्का सा पिंक ऐड करिएगा। फिर मैं यहाँ पे अपने फेविक्रिल के मेटालिक पेंट्स ले रही हूँ, कलर ले रही हूँ पाउडर वाले, और उसको मीडियम के साथ मिक्स करके इस तरह का पेंट बना लूँगी। फिर डाबर पर लेना है और डाबर पर डायरेक्टली आपको नहीं ऐसे डाबर पर लेके और इस पर ये कर देना है। पहले मैंने एक ग्लास के पीस पर निकाल दिया, आप कोई भी पेपर पर या जो भी एक्स्ट्रा जो पेंट है उसको हटा देना है और बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको इसको इफेक्ट देना है। ठीक है, हल्का हल्का सा हाईलाइट करना है एक जगह पे, बिल्कुल मतलब मेटालिक पेंट आपको भर नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको हाईलाइट करेंगे हम। इस तरह से पहले पेंट लेंगे, फिर डाबर को कहीं पे और टैप करेंगे और फिर उसके ऊपर जहाँ पे हमें पेंट करना है वहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो एम्बलिशमेंट है बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि किसी मेटल के बने हुए, राइट। तो इस तरह से आपको पूरे पे हल्का हल्का सा पेंट आपको अप्लाई करते जाना है और इससे बहुत अच्छा सा इफेक्ट आपको आने लगेगा। और आप लोग इस तरह के मैंने बहुत सारे पीस बनाए हुए हैं, अगर आप लोगों को देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। सर इसको इसी तरह से पेंट करने के बाद मैं वॉर्निश अप्लाई करूँगी जब ये ड्राई हो जाएगा, और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, ये इसके सारे जो भी मैंने एम्बेलिशमेंट इसमें ऐड किए थे कितने प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमने इसे क्ले से बनाया है। और आप लोग भी इस दिवाली से ज़रूर बनाइए और अपने किचन में इसको डेकोरेट करिए। इसमें आप इस तरह से कुकीज़ रख सकते हैं, आप इसे अपने सेंटर टेबल पर रख सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही एंटीक पीस लगेगा अगर आप अपने सेंटर टेबल पर इसे रखिएगा तो। आप लोगों को ये बॉक्स कैसा लगा, ये कंटेनर कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आप लोगों को मुझे सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा या ज़रा सा भी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करिएगा तो आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।